हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है शुभम और स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल शुभकदम में। तो दोस्तों, आज आपके लिए एक लाइव ट्रेड रिकॉर्ड करने का ट्राई करेंगे। मतलब सभी जो मैं आज यहाँ पर ट्रेड्स लूंगा वो थोड़ा सा रिकॉर्ड करने का ट्राई करूंगा, ताकि उस ट्रेड के पीछे की साइकोलॉजी प्लस मैं किस तरह से ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ, कहाँ पर स्टॉप लॉस रखते हैं, किस तरह से टारगेट बुक करता हूँ, वो सारी प्रोसेस आपको पता चले। और बहुत ज़्यादा आपकी तरफ से भी डिमांड आ रही थी कि कोई एक लाइव ट्रेड पोस्ट करो, लाइव ट्रेड पोस्ट करो। तो आज थोड़ा सा हम ट्राई करेंगे। यहाँ तक कि मैंने अभी तक कभी लाइव ट्रेड यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया था, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसी वजह से थोड़ा सा कम क्वांटिटी से ट्राई करेंगे, फिर भी देखते हैं कैसा होता है। सभी जो ऑर्डर बुक्स होंगे वो मैं आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पर वीडियो में डाल दूंगा, किस तरह से मैंने कहाँ पर स्टॉप लॉस, किस तरह से ट्रेड करता जाऊंगा, वो सारी बातें हम यहाँ पर देख लेंगे। और अगर थोड़ा सा अगर हम मार्केट सेंटिमेंट देखेंगे तो मार्केट सेंटिमेंट थोड़े से मुझे बियरिश दिख रहे हैं। एचजीएक्स निफ्टी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो थोड़ा सा पॉजिटिव में है, ग्रीन में है, पर इतना स्ट्रांग नहीं लग रहा है एचजीएक्स निफ्टी भी। इसी वजह से मार्केट जो है वो थोड़ा सा रेंज में या फिर गैप डाउन ओपन हो सकता है। इसी वजह से अगर हम यहाँ पर इस वाले मार्केट में शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे तो कभी भी यहाँ पर अच्छा एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बन सकता है। और मेरे वॉच लिस्ट में तीन स्टॉक्स है, ठीक है। एक है हमारा एक्सिस बैंक, वहां पर भी बहुत ही अच्छा ट्रेड सेटअप बन रहा है। दूसरा है आरबीएल बैंक और तीसरा जो है वो है हमारा झील, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन तीन स्टॉक्स में यहाँ पर ट्रेड करने का ट्राई करूंगा। अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते होगे तो आपको पता है कि मैं एनालिसिस करता हूँ, एक वॉच लिस्ट बनाता हूँ, 5-6 स्टॉक यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और उसी 5-6 स्टॉक में यहाँ पर ट्रेड करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो ये तीन स्टॉक्स मेरे आज यहाँ पर वॉच लिस्ट में है। अगर कोई इसमें अच्छा मौका बनता है तभी इस स्टॉक्स में मैं एक अच्छा सा ट्रेड लेने का ट्राई करूंगा, ठीक है। अभी सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको लाइव मार्केट की कॉमेंट्री देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जील का स्टॉक यहाँ पर है मेरे आज वॉच लिस्ट में, और सिंपल सा यहाँ पर आज हम ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे। आप ये देख सकते हैं कि ये ग्रीन वाली जो लाइन है ये हमारी 200 पीरियड की मूविंग एवरेज है, और ये ब्लू वाली लाइन है वो है हमारी 20 पीरियड मूविंग के एवरेज, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा मेरा प्लान क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अच्छे से डाउन ट्रेंड में है जील का स्टॉक, और सिंपल सा हम यहाँ पर करने क्या वाले, यहाँ पर हो क्या रहा है एक अच्छा सा फॉल रिट्रेसमेंट, फॉल रिट्रेसमेंट, फॉल रिट्रेसमेंट, फॉल रिट्रेसमेंट। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अच्छा सा फॉल आया, ठीक है। तो आपको भी पता चल गया होगा यहाँ पर मैं सिंपल सा वेट क्या करूंगा कि प्राइस यहाँ तक रिट्रेस करे, जहां तक प्राइस ने कल क्लोजिंग दी है, ठीक है ना, यहाँ तक रिट्रेसमेंट करे, फिर यहाँ पर मैं कोई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। मैं यहाँ पर आप थोड़ा सा देखिए कि एक ट्राई कर रहा था फर्स्ट कैंडल एंट्री टेक्निक के लिए, पर ये जो कैंडल है यहाँ पर डोजी कैंडल बनी, यहाँ पर इनडिसीजन कैंडल बनी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रीवियस डे का लो भी मैंने यहाँ पर मार्क करके रखा है, इसी वजह से मुझे यहाँ पर कोई एंट्री नहीं मिली। देखते हैं कि अगर हमें यहाँ पर अच्छा सा रिट्रेसमेंट मिलता है और यहाँ पर कल के दिन के क्लोजिंग के आसपास कोई अच्छी सी बियरिश कैंडल मिलती है तो यहाँ पर मैं एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी लेना चाहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हमें ट्रेड मिलता है या फिर नहीं मिलता, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। हाँ, तो दोस्तों अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बियरिश कैंडल बनी है, यहाँ पर हमारे प्रीवियस डे का लो भी है और यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है शॉर्ट की, पर मैं यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि ये जो प्राइस है अभी हमारे 20 पीरियड मूविंग एवरेज से बहुत दूर है, और जब भी इतना दूर होती है प्राइस बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज बन जाती है कि यहाँ पर से प्राइस जो है वो रिट्रेसमेंट ले ले। अभी जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक अच्छा सा यहाँ पर इम्पल्स मूव है, ठीक है ना। तो इम्पल्स मूव में कभी भी हमें बाइंग और सेलिंग नहीं करनी है, मैं पेशेंटली वेट करूंगा कि प्राइस जो है हमारा एक अच्छा सा रिट्रेसमेंट दे दे। अगर यहाँ पर हमें एक अच्छा सा रिट्रेसमेंट मिलता है तभी यहाँ पर मैं कोई ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, अदरवाइज ये ट्रेड छोड़ दूंगा। अभी यहाँ पर मैं कोई भी ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, एक थोड़ा सा वेट करूंगा कि एक अच्छा सा पुल बैक मिल जाए और यहाँ पर कोई एक अच्छा सा शॉर्टिंग का मौका बने जो कि अपने जो 20 पीरियड मूविंग एवरेज है उसके आसपास होती। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो सिंपल से यहाँ पर फॉल होने लगी है, फिर भी हम यहाँ पर कोई भी न्यू पोजीशन नहीं लेंगे, यहाँ पर कोई भी शॉर्ट की पोजीशन नहीं लेंगे। बहुत सारे न्यू ट्रेडर्स यही देखकर, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस गिरने लगी है, यही देखकर यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन ले लेंगे और वही बात होती है गलत, मतलब यहाँ पर ले लेंगे, यहाँ पर स्टॉप लॉस रख देंगे। पर फिर भी अगर आप यहाँ पर देखोगे हमारे 20 पीरियड मूविंग एवरेज से प्राइस बहुत दूर है, थोड़ा पास यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर पास होनी चाहिए प्राइस। हम सिंपल सा वेट अभी भी करेंगे पुल बैक का, पुल बैक आने के बाद ही यहाँ पर हम एंटर करने का ट्राई करेंगे। हाँ, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी यहाँ पर आरबीएल बैंक का चार्ट लगा हुआ है, जब तक झील रिट्रेसमेंट नहीं देता यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा ट्रेड मिल रहा है। आप यहाँ पर सिंपल सा देख सकते हैं कि आरबीएल बैंक में एक बड़ा पैटर्न बन रहा था, आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा,
मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया है, आपको ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ। तो सिंपल सा इसमें यहाँ पर पैटर्न कौन सा बन रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था। आप यहाँ पर सिंपल सा देख सकते हैं कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न कुछ इस तरीके से, और इसका जो नेकलाइन है इसका भी ब्रेकआउट हो चुका है, और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लेवल था 0.618 का, इसका भी यहाँ पर ब्रेकडाउन हो चुका है, ठीक है ना। तो उसी वजह से इंट्राडे में 15 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी शॉर्टिंग का मौका बन रहा था। और आप यहाँ पर थोड़ा सा देखिए कि प्राइस कहाँ पर ओपन किया, प्राइस ने यहाँ पर नीचे ओपन किया और एक अच्छा सा रिकवरी मारा, और यहाँ पर हम 20 पीरियड मूविंग एवरेज के पास यहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं। मैंने यहाँ पर अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया है ऊपर, यहाँ पर आज के दिन के हाई पर मेरा स्टॉप लॉस है और टारगेट जो है वो आज के दिन का लो है, ठीक है। तो अपडेट करता रहता हूँ हमारा, देखते हैं कि स्टॉप लॉस हिट होता है या फिर टारगेट हिट होता है। तब तक यहाँ पर दोस्तों झील में क्या हो रहा है देख लेते हैं एक बार। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो झील ने यहाँ पर से बहुत ही अच्छा फॉल दे दिया है, कुछ ने हमें यहाँ पर एंट्री नहीं मिली, पर हमने हमारे रूल्स सभी फॉलो किए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग हमारा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए था, यहाँ पर एंट्री थी यहाँ पर से फॉलो, पर यहाँ पर मेरे प्लान में यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं बैठ रही थी। मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ यहाँ पर हमारे 20 पीरियड मूविंग एवरेज के आसपास लेना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर से पुल बैक जोन होता है, ठीक है। ये ट्रेड हमें नहीं मिला छोड़ देते, पर हमने हमारे रूल्स 100% फॉलो किए, ये इम्पोर्टेंट है। और हमने अभी जो RBL बैंक में यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ है उस पर फोकस करते हैं, देखते हैं कि इस वाले ट्रेड में क्या होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस हमारे डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे से थोड़ा सा वीक रिजेक्शन हमें यहाँ पर मिल रहा है, पर इट्स ओके, देख लेते हैं कैसा होता है। और सिंपल से यहाँ पर मैं क्या करूंगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 2.65 का रिस्क टू रिवॉर्ड है, और थोड़ा सा मैं अगर यहाँ पर आपको दिखा दूं तो हमारा जो प्रॉफिट है, जब भी प्राइस हमारे प्रॉफिट के हाफ लेवल पर पहुंच जाएगी, यानी कि 50% लेवल पे यहाँ पर पहुंच जाएगी, तब मैं अपना जो स्टॉप लॉस है वो ब्रेक इवन पे लाऊंगा। क्योंकि जब भी हमारा ट्रेड 50% पे पहुंचता है इसका मतलब हमने एक सही ट्रेड लिया होता है, और जब भी मार्केट वहां पर से रिवर्स मार के हमारा स्टॉप लॉस हिट करता है तो फिर वो जो लॉस है मैं वो लेना नहीं चाहता, ये मेरा ट्रेडिंग रूल है। जब भी मेरा कोई 50% प्रॉफिट हिट हो रहा है तब मैं अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे लेके आता हूँ। देखते हैं कि यहाँ पर 50% तक हमारा प्राइस जाता है या फिर नहीं जाता, और उसके हिसाब से हम स्टॉप लॉस सेट करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा 50% टारगेट जो है यहाँ पर हिट हो चुका है। अभी सिंपल सा मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे लेके आऊंगा और इस वाले ट्रेड को मैं नो रिस्क ट्रेड बना दूंगा, ठीक है। तो जब भी यहाँ पर रिस्क कोई भी नहीं होगा तो यहाँ पर हमें इमोशंस कंट्रोल करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसके पीछे का यही एक साइकोलॉजी है, ठीक है ना। यही एक लॉजिक है कि जब भी कोई ट्रेड रिस्क फ्री हो जाता है तब हमें सिंपल सा कितने भी देर हम इसे होल्ड करके रख सकते हैं, और यही मेरे ट्रेडिंग रूल में भी आता है। तो सिंपल सा मैं मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर से मैं अपने ब्रेक इवन पे लेके आ रहा हूँ। मैं यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा, मैं अपना जो स्टॉप लॉस है वो अपडेट कर रहा हूँ यहाँ पर। अब आगे क्या होता है देख लेते हैं, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, ठीक है। हाँ तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग हमारा यहाँ पर टारगेट हिट होने आ रहा है। अभी जैसे ही यहाँ पर हमारा 80% टारगेट हिट हो जाता है, अभी नेक्स्ट मेरा यहाँ पर प्लान होता है कि जैसे ही यहाँ पर 80% यहाँ पर टारगेट हिट हो जाएगा, मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके लगभग यहाँ पर 50% पे लेके आऊंगा, ठीक है। तो यही मेरा सिंपल सा प्लान रहता है, हर बार मैं यही करता हूँ और अभी भी यहाँ पर यही करने जा रहा हूँ। देखते हैं कि हम यहाँ पर से पूरा प्रॉफिट लेके जाते या फिर कुछ ना कुछ तो लेके जाते या फिर ब्रेक इवन पे एग्जिट करते हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ पर मैं आपको उसी तरीके से अपडेट करता जाऊंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा 80% टारगेट भी यहाँ पर हिट हो चुका है। अभी सिंपल से मैं क्या करूंगा, अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो हमारे 50% टारगेट पे लेके आऊंगा। एक मिनट में यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ थोड़ा सा, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो। हाँ तो मैंने अपना स्टॉप लॉस अपडेट कर दिया है। अभी हम एग्जिट तो यहाँ पर प्रॉफिट में ही करने वाले हैं, हम 50% प्रॉफिट यहाँ पर से लेके ही जाने वाले हैं। अब मैं यहाँ पर सिंपल सा ट्राई करूंगा कि मैं मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पर से लेके जाऊँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा 1:2.41 का रिस्क टू रिवॉर्ड है, और अभी जहाँ पर प्राइस चल रहा है ये 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड पे चल रहा है, ठीक है ना। तो चाहूँ तो मैं अभी भी यहाँ पर से एग्जिट कर सकता हूँ, पर मैं नहीं करूंगा। मैं यहाँ पर होल्ड करके रखूंगा स्टॉक को, जितना प्रॉफिट मैं यहाँ पर से लेके चलना चाहता हूँ मैं उतना यहाँ पर से लेके चलूंगा, ठीक है। तो यही ट्रेडिंग में होना चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट हमें यहाँ पर बुक करना चाहिए। अभी देखते हैं कि क्या होता है, हमें
एक 50% प्रॉफिट में निकलते हैं या फिर 100% प्रॉफिट में निकलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर पेशेंटली वेट करेंगे, देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर चलता है। और अगर आप ये वीडियो एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है। अपडेट करता रहता हूँ मैं आपको। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग हमारा 90% प्रॉफिट यहाँ पर बुक हो चुका है। थोड़े से पॉइंट से हमारा टारगेट हिट नहीं हो रहा है, देखते हैं क्या होते हैं। तो वेट करेंगे हम, 100% वेट करेंगे। जिस तरीके से मार्केट कंडीशन हमें दिखती है उस तरीके से हम यहाँ पर सिंपल सा ट्राई करेंगे कि ट्रेड करें। हाँ तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, ठीक है ना। लगभग हमें हमारा 90% टारगेट यहाँ पर हिट हो चुका था, पर मैं यहाँ पर ज्यादा बुक करना चाहता था और यही हमारी मेंटालिटी हर बार होनी चाहिए, ठीक है। पर अभी यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर से प्राइस ने रिवर्स क्यों मारा, ठीक है ना। वो आपको यहाँ पर रीजन बता देता हूँ। सिंपल से अगर हम यहाँ पर बैंक निफ्टी में आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में यहाँ पर इलेफेंट कैंडल बना था, ठीक है ना। तो इलेफेंट कैंडल के यहाँ पर सपोर्ट पे आ चुकी थी प्राइस। और यहाँ पर से भी अगर आप यहाँ पर देखो कि ये वाली जो रेड लाइन है, ये हमारी मंथली बेसिस वाली यहाँ पर डिमांड जोन है, ठीक है ना। मंथली बेसिस वाला डिमांड जोन है, इसी वजह से यहाँ पर बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छा सपोर्ट पे था, ठीक है ना। यहाँ पर से भी एक अच्छा सा ट्रेड बन सकता है बैंक निफ्टी में, पर मैं यहाँ पर लेना नहीं चाहूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर से भी बहुत ही अच्छा ट्रेड बन सकता है पर मैं लेना नहीं चाहूंगा। यहाँ पर बहुत ही अच्छा डिमांड जोन है, इलेफेंट कैंडल बनी है, यहाँ पर सपोर्ट पे प्राइस आ चुकी है और यहाँ पर से बैंक निफ्टी ने रिवर्स मारा है। इसी वजह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आरबीएल बैंक ने भी यहीं पर से रिवर्स मारा है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर से रफ कर देता हूँ, आपको यहाँ पर से दिखाई देगा आरबीएल बैंक ने यहाँ पर से रिवर्स मारा है, पर हमने हमारा प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लिया है, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा ये ट्रेड रहा था। अगर हम यहाँ पर झील का देखेंगे थोड़ा सा, तो झील का भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा यहाँ पर से फॉल आया। यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा ट्रेड बन सकता था, पर सिंपल सा यहाँ पर ये ट्रेड हमारे रूल में नहीं बैठा, इस वजह से ये ट्रेड हमने नहीं लिया, ठीक है ना। आरबीएल बैंक का यहाँ पर बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनी, आरबीएल बैंक में हमने यहाँ पर ट्रेड लिया। और मैं एक दिन में ज्यादा से ज्यादा एक या फिर दो ट्रेड लेता हूं, तो आज के दिन में इतना ही रखते हैं। हाँ तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको पूरा वीडियो से कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत तो सीखने को मिला होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एम कर रहा हूँ सिर्फ 500 लाइक्स के लिए, होप है कि आप ये एम कंप्लीट कर दोगे। और इसी तरीके के वीडियोस अगर आपको चाहिए, हर एक वीक में एटलीस्ट वन वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं हर एक वीक में एटलीस्ट वन लाइव ट्रेड का वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड करने का ट्राई करूंगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच।